हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक हॉट कटर, जो कि देख सकते हो कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड ये किसी भी टाइप के पीसी को काट सकता है इजीली, एंड काफ़ी मस्त सा होगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ दोनों हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, हॉट कटर बनाने के लिए हमको जो पहला चीज़ चाहिए वो चाहिए यहाँ पे टीन कनस्तर का जो प्लेट होता है, यानी शीट होता है उसको। और ये मैंने टीन से ही बनाया है, टीन जिसको कनस्तर वायल का जो कंटेनर आता है उससे बनाया है, ठीक है। एंड आप भी कुछ इसी प्रकार से बना सकते हो, या फिर आप चदरा का भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो अपने काम के अनुसार जिस टाइप से आप काम करना चाहते हो उस टाइप से आप अपना चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको लेना है एक सैमकॉन का, मतलब किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, एक हीटिंग एलिमेंट, मतलब कि ये सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट है जो कि हीट होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 35 वाट का है, सैमकॉन का है और इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग आयरन। यहाँ पे देख सकते हो, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। एंड हमको चाहिए एक कटर का ब्लेड, ठीक है। तो आप नया मार्केट से लेके आ सकते हो, हालांकि ये वाला बिल्कुल ख़राब हो गया और इसको मैंने ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। तो आप नया लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो प्लेट लिया है उसमें यहाँ पे मतलब लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिससे कि हमको काम करने में आसानी होगा पहले ही, और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और इन सब कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके एंड सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बीच वाला जो जगह बचा हुआ है ये बिल्कुल एकदम हीटर के जो एलिमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंट के एकदम बराबर में है, ठीक है, न छोटा न बड़ा, ठीक है। और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में आपको बनाना है, न छोटा बड़ा, आपको मेजरमेंट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा वाला शीट बनाया है, यहाँ पे मैं आप सबको इसका मतलब लेंथ जो बता दे रहा हूँ, लंबाई कितना है, ठीक है। तो यहाँ जो पूरा प्लेट का जो लेंथ है वो है कि 2.7 सेंटीमीटर, यानी 2.7 सेंटीमीटर का ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला चदरा प्लेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो बगल में जो छूटा हुआ है वो 0.7 सेंटीमीटर छूटा हुआ है, एंड यहाँ पे भी 0.7 सेंटीमीटर, दोनों साइड 0.7 सेंटीमीटर छोड़ा गया है। एंड ये बीच का जो एलिमेंट है, मतलब इसका जो जगह है वो 1.2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, ठीक है। तो और ये दोनों सेम ही है, सेम साइज़ है बिल्कुल एकदम, ये इसके साइज़ का ही है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से आपको मतलब बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसी के जस्ट एकदम ऊपर बराबर में ही हमने जो स्केल है उसको रख दिया है। एंड एक आपको चाकू लेना है, कोई सा भी चाकू ले सकते हो, एंड इस पे रख के और आपको एक निशान लगा देना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये निशान हमने किस लिए लगाया है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो पूरा का पूरा लोहा जो है हमारा, मतलब ये जो प्लेट है वो बैंड ना हो जाए, जहाँ से हमने लगभग लगाया है वहीं से बैंड होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इस टाइप से कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प होगा एंड परफेक्टली ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे किया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, बट ना लोहा ही मत काट लीजिएगा, ठीक है। एंड इसको भी इस साइड से मैं वैसे ही कर लेता हूँ, देख सकते हो दोनों साइड से हमने इसमें जो निशान होता है वो लगा लिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड सेम चीज़ आपको दूसरे पत्ती के साथ करना है, यानी दूसरे प्लेट के साथ करना है। तो गाइस, इसको मोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लाईवुड ले लिया है, ठीक है। एंड इसका जो मतलब जो हमने लाइन ड्रॉ किया था ये वाला, इसको एकदम इसके सामने रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से एकदम आपको बराबर में रखना है, यानी बराबर में रखना है। तो इस टाइप से आपको जितना मुड़ता है लगभग उतना मोड़ लीजिए, ठीक है, मैं आपको बाद में फिर से एक बार और मेजरमेंट बता दूंगा। तो एक साइड का हमारा ये कुछ इस टाइप से मुड़ गया है, एंड इसको हम लोग बाद में और भी मोड़ लेंगे, ठीक है। एंड ये वाला हमारा इस साइड का मोड़ना है, तो इसको मोड़ने के लिए हमको प्लायर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भाई इस टाइप से ये नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको इसको मोड़ना है, जैसे मैं इसमें मोड़ रहा हूँ। तो एक साइड को हमने मतलब जो है मोड़ लिया है, एंड ये कुछ इस टाइप का खुरपी टाइप का बन गया, तो आप इसको घास यूज़ करने के लिए, मतलब छीलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरे टाइप को भी मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये देख सकते हो। तो ये दोनों भाई काफ़ी मस्त लग रहा है, इसमें अगर दांत काट दे तो ये भैया छोलनी की तरह बन जाएगा, एक नंबर चाउमीन उमिन बनाने के लिए, और काफ़ी मस्त सा है ये। हमको राउंड शेप में, यानी थोड़ा सा गोलाकार टाइप में इसको मोड़ना पड़ेगा।
ओके गाइस, तो ये इसमें काफ़ी मस्त घुस जा रहा है इजीली। एंड एक और मॉडिफिकेशन हमने इसमें किया है, वो है कि ये जो छोटा वाला, मतलब छोटा क्या बड़ा क्या, ये तो दोनों मतलब सेम ही हमने किया था डिज़ाइन से कटिंग, बट इसको इसके अंदर घुसाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 0.2 सेंटीमीटर का दो यहाँ पे पत्ती, देख सकते हो इतना बड़ा था कुछ, तो इतना हमने इसको 0.2 सेंटीमीटर का कट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी दोनों साइड से यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर का कट कर लेना, तो यहाँ पे ये इजीली इस टाइप से घुस जाएगा। ओके गाइस, ये देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो इसका ब्लेड था उसको हमने थोड़ा सा मतलब सैंड पेपर से और ग्राइंडर से इसको रफ कर लिया है, थोड़ा सा आगे से धार लगा दिया है, उसको अच्छा हो गया था तो इसको हमने बराबर में कर लिया, जिससे कि ये एलिमेंट में जाए तो ज़्यादा मतलब हिले डुले नहीं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये हो गया है, ठीक है, इस टाइप से। और अब इसको हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे बंद हो गया है और लॉक भी हो गया है। तो ये मैंने एक पीवीसी का पाइप लिया है जो कि नल फिटिंग में यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमको इसको फिक्स करने में भी आसानी होगी और हिले डुलेगा भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको चाहिए एक पावर केबल, तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का एक पावर केबल ले लिया है, पावर एडेप्टर जिसको बोलते हैं, और एलिमेंट के साथ इस केबल को हम लोग जोड़ देते हैं इस पाइप को लगा के, ठीक है। ने इतना इसको बाहर रखा है क्योंकि इसमें हीटिंग का एलिमेंट है एंड थोड़ा सा इसको जगह चाहिए, बिकॉज गर्म होके ये इसको मतलब पिघलाए नहीं, ठीक है। और इसमें जो बाकी का जो जगह बचा है उसी में हमको एमसील को फिल कर देना है। और अब बाकी बचा यहाँ पे पीछे का, तो पीछे भी हम लोग एमसील का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे पीवीसी पाइप का सीट भी काट के मतलब आप लगा सकते हो, या फिर मैं भी लगा सकता था, लेकिन इससे भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। कटर है वो रेडी हो चुका है और अब हमको इसको सूखने के लिए रखना है, तो आज तो ये वीडियो बन नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारा नेक्स्ट डे एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन के काफ़ी ज़्यादा मस्त से रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अब इसका टेस्टिंग करने का बारी आता है और मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ये कैसा है प्रोडक्ट बना हुआ हमारा। एमसील काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सूख गया है और बाकी जो फिनिशिंग आई है ओवरऑल जो मतलब इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड ये ब्लेड काफ़ी ज़्यादा मस्त सा लग रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो पावर केबल, इसको भी हमने एमसील से ही उस दिन ज्वाइंट किया था। एंड अब हमारा मतलब अब हमको इसको टेस्टिंग करने की बारी आती है। टेस्टिंग करने के लिए ये है ये वाला पीवीसी का पाइप, ये देख सकते हो ये कितना मोटा है, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का, ठीक है। एंड एक ये वाला है पाइप, देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड एक और है ये वाला पीवीसी का पाइप जो कि हमको नल फिटिंग में यूज़ होता है पानी वानी को इधर उधर करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी मस्त इसका टेस्टिंग होने वाला है। बाकी ये देखते हैं इसमें करंट वरेंट तो नहीं आ रहा है गाइस, देख सकते हो करंट वरेंट नहीं आ रहा है, ये देख सकते हो। मस्त एकदम फिनिशिंग काटा है, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो इसको ये काफ़ी अच्छे मक्खन की तरह काट रहा है, बाकी आप मेरे वीडियो देखोगे तो मैं आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इसको कटिंग करते हैं, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि भाई अभी मेरे पास पीवीसी का सीट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी काफ़ी मस्त तरीके से कट गया। एंड अब इस वाले पाइप की बारी आती है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये भी काफ़ी मस्त तरीके से गाइज गरम था थोड़ा सा कट गया है और मेरे को मज़ा आया। मैं उम्मीद नहीं था कि ये मतलब इतने अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, और काफ़ी मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। सॉरी गाइज यहाँ पे ये जल भी गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे पीवीसी भी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है बिकॉज एमसील लगा है और काफ़ी मस्त तरीके से काम कर रहा है और आप सब ने देख लिया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये इस टाइप का मशीन आपको कैसा लगा। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मस्त बना है एंड यहाँ पे देख सकते हो इसकी टेस्टिंग भी काफ़ी मतलब अच्छी लगी मेरे को और आप सबको आई होप कि अच्छी लगी होगी क्योंकि काफ़ी मस्त तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ ये काट रहा है, मतलब पीवीसी को काट रहा है, ठीक है, गलत मत समझ लीजिएगा। और यहाँ पे कटिंग भी काफ़ी मस्त कर रहा है और कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको मैंने रेगुलरली वीडियोस देखोगे, रेगुलरली का मतलब जब वीडियो आएगा तो देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस टाइप ये वर्क कर रहा है। बाकी अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोनों हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उस घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।